डी स्टूडेंट्स द टॉपिक विच वी आर नो डिस्कसिंग इज़ अबाउट अकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन स्टैंडर्ड्स फॉर टॉक्सिक एंड हेजॉडियस मटीरियल यहाँ पर दो चीज़ों पर फोकस है टॉक्सिक मटीरियल और हेजॉर्डियस मटीरियल इनका ये मतलब है कि वो केमिकल जो इम्प्लाइज के लिए नुकसानदेह हैं वो टॉक्सिक हैं और जो हैडल्स का बायस बनते हैं वो हेजॉर्डियस मटीरियल हैं अब इसको जील करते हैं वो ट्वेंटी नाइन सी एफ आर हैं सब पार्ट उसका एच है तो ये इस चीज़ को स्पेसिफिकली डिटेल में डिस्कस करते हैं जिसमें ब्रॉडर सिनेरियो में इस चीज़ को बयान किया गया है कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग इन चीज़ों को कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं वो स्टैंडर्ड्स जो अभी मैं बयान कर रहा था डिटेल में डी स्टूडेंट्स ये हैं हजारियस मटेरियल स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स नाइनटीन टन पॉइंट वन जीरो वन गैसेज ए सी हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड डिप टैंक एक्सोट्राप ये तमाम डिटेल आपके लिए हमने प्रपेयर की है डी स्टूडेंट्स इनको देखें अगर इनकी डिटेल आप जानना चाहते हैं तो आप गूगल करके फर्दर डिटेल हासिल कर सकते हैं अगर आप वहाँ पर नहीं जाना चाहते तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं वहाँ पर अगर आप मुकम्मल डाउनलोड कर लें तो इन सब की डिटेल आप हासिल कर सकते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन हैजर्ड्स कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स हैं कम्युनिकेशन के रिलेटेड जिसमें इस चीज़ को बयान किया जाता है कि किस तरह एसिड्स क्लीनिंग्स सॉल्वेंट्स कंपाउंड्स फ्लेमेबल गैसेस लिक्विड्स पेंट्स लेक्यो एनएम एक्सोट्रा ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं उनके स्टैंडर्ड्स कौन उन से हैं जिसके मुताबिक उनको यूज किया जाता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन हैजर्ड कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव बट इट डज़ प्रोवाइड अ गुड स्टार्ट कंसर्निंग वट सब स्टांस टू वाच इसका ये मतलब है कि आपने ये देखना है कि कौन कौन से टॉक्सिक्स और हेजॉर्डिस मटीरियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसानदेह है किस तरह उसको मैनेज करना है किस तरह उन चीज़ों को यूजेबल फॉर्म में लाना है किस तरह एस ओ पीज़ के तहत तो उन चीज़ों को हम लोगों ने मैनेज करना है आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन के हवाले से जो कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं रही स्टूडेंट्स उसमें ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट्स हैं पहले नंबर पे रिटर्न हैजर्ड कम्युनिकेशन प्रोग्राम जितने भी हैजर्ड कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स हैं वो लिखे हुए होने चाहिए स्पेसिफिक होने चाहिए वेल well शेयर्ड होने चाहिए सब इंप्लाईज को उसका इलम होना चाहिए इंप्लाई राइट टू नो हर एम्प्लॉ का यह हक है कि वो मालूम की इंफॉर्मेशन रखे और उसको मालूम हो कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें काम कर रही हैं और लास्ट ग्लोबल हारमोनाइजेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स दर्ल्ड इन सब स्टैंडर्ड्स को हमने देखना है किस तरह ये चीज़ें एक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट कर रही है और इम्प्लाईज़ उनके ऊपर अमल कर रहे हैं